दोस्तों आज हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे पूरा ट्रिप। मॉन्ट्रियल जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे क्यूबेक और वहाँ से ओटावा। आने वाले व्लॉग्स में आपको पूरी ट्रैवलिंग कराएंगे, आपको मनदीप के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। और सबसे पहले आज हम अभी रेडी हो चुके हैं, सबसे पहले हो चुके हैं, हम अपनी कार उठाने जा रहे हैं। हमने 6 जाने हैं तो हमने कार रेंट की है ट्यूरो से। ट्यूरो की ऐप जरूर भरिए, बहुत ही फायदा होता है, बहुत ही सस्ती मिल जाती है आपको। यस, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको मॉन्ट्रियल, ओटावा और क्यूबेक और एडवेंचर्स भी काफी दिखाएंगे और कराएंगे भी। तो चलिए चलते हैं। ओके, सो दोस्तों एक चीज़ जो मनदीप को नहीं पता थी वो ये थी कि उसको मैंने बताया था कि मैं कोई बहुत ही पुराना मॉडल गाड़ी का लेके जा रहा हूँ, 6-सीटर वैन लेके जा रहा हूँ जो बहुत पुराना मॉडल है, माजदा की है, और उसे माजदा की गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया था कहीं ना कहीं कि चलो यही गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि उसको गाड़ियों को बहुत शौक है चलाने का। लेकिन मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं एक बहुत ही नए मॉडल की और बहुत ही नई कार ओनर ने बहुत नहीं खरीदी थी, उस पर बहुत ही कम किलोमीटर से और बहुत ही यू नो टॉप ऑफ द लाइन डॉज की कैरावान लेके जा रहा था। और अभी वो मुझे लेने आ रहा है, तो वो अभी आएगा और उसको सरप्राइज देंगे कि कौन सी गाड़ी ली थी और उसका रिएक्शन देखेंगे। कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज मज़दा नहीं अच्छी लगती आपको? पीले सेंट्री टच स्क्रीन बड़ा सुनाया इन्हें रब्बा, मेनू बहुत ही सुनाया, मैं भी इन्हें सरप्राइज देना। तो गाइस हम सब पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, आप मनदीप से मिल चुके हैं। मनदीप, ये है रंजन, ये है कुलबीर, और अब हम पिक करने आए हैं, मैं अपनी बहन को पिक करने आया हूँ, प्रेरणा को और राहुल को। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, एयरपोर्ट पिक करने के बाद आपको हम उनसे भी मिलाएंगे। सो दोस्तों हमने सबको पिकअप कर लिया है, अब हम जा रहे हैं मॉन्ट्रियल। ये हमारा ड्राइवर, 6 घंटे ड्राइव करेगा, राइट? और सबको पिक कर लिया है, प्रेरणा और राहुल खाना खा रहे हैं, और अब आपको मॉन्ट्रियल जाके दिखाएंगे कौन से एडवेंचर्स करने वाले हैं हम। हमें नहीं पता। ओह माय गॉड, तो दोस्तों यहाँ हम पोर्ट होप पहुँच चुके हैं, इसका ऑन रूट है। हाईवे पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप होता है, तो आधा सफर तय हो चुका है, 4 घंटे और आधा नहीं, आई थिंक अभी 1/4 ही खत्म हुआ है, अभी 3/4 पड़े हैं, तो अभी भी 4 घंटे लगेंगे मॉन्ट्रियल पहुंचने में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी हिल्स, काफ़ी एक पेड़ों वाला यू नो फॉरेस्ट वाला इलाका शुरू हो चुका है। टोरंटो ऑन्टेरियो में ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता अगर आप GTA इलाके में रहते हैं।
फाइनली दोस्तों कितने घंटे लगे? घट्टो घट भी 7.5 घंटे 7.5 घंटे लग गए और अब हम अपने एयरबीएनबी पहुंच चुके हैं। 7.5 घंटे की ड्राइव, ओह माय गॉड, सारे रास्ते मंदीप ने ड्राइव किया है और बस क्रूज पे भी नहीं डाल सके क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी। ओह माय गॉड, सारे आ जाओ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जेटस्की वाली जगह पे, बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ मुझे भी लग रही है सुंदर ब्रो, उठे जाना सी। ये खुला तो हम जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ से शुरू करना है। जस्ट लुक एट दिस प्लेस मैन, मजी आई आई कोई आ यहां बड़ा दिन के थे, हमें चलाओ चप्पू मार के। मैं जी का जे तुसी बॉक्स स्पीड से मोड़ती ना फिर सारे डिगने। ओके राम ना फिर चलायो यार प्लीज। ओके सो फाइनली वी आर एट द प्लेस, अपन जस्ट की चलाउन लगे हां ते बहुत चाहे सारिया नु इत्थे होने। मैं इत्थे वेखिया कि दो बंदे डुब रहे ने पर वो बच गए ने वापस। ओ मोटा किदा तुरया जान दे ओ अंकल जी ब्रो आए वो बड़ी जिम करदा ओए दो जने दोस्तों अभी जेट स्की चलाना शुरू हुए थे और जेट स्की बैठ गई। अब देख सकते हैं वो लड़का जेट स्की बचाने की कोशिश कर रहा है। आए He's literally recording our bollies, popping out bollies. Get excited. Okay. Ennu upar karna va? Abhi nahi. हमारे बंदे बच गए हैं, आप शायद देख सकते हैं। वो है, आर यू सेफ? ऑल द गाइस आर सेफ। पता नहीं लग रहा चलाने की ब्रो, ते बंदे बच चुके हैं। ओके प्लीज वेटिंग फॉर बोट। Alright, turn it off, my friend. No. Hey, slow down. I guess they're changing as well. Even on idle, chat thing. He has to go. Come with me. Prerna!
ਨਹੀਂ ਸਾਪੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੂੰ ਇਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਭੀ ਸਦਾ ਡਾਲ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਾਈ ਫਾਈਵ ਯੂ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਾਈ ਫਾਈਵ ਹਾਈ ਫਾਈਵ ਹਾਈ ਫਾਈਵ ਹਾਈ ਫਾਈਵ तो दोस्तों हमने पहली एक्टिविटी कर ली, हमने देखा जेट स्की में बहुत बाल बाल बचे हमारे चार साथी, एक ये एक ये है, दो पीछे बैठे हैं सबसे। रियली आई एम रिकमेंडिंग यू टू गो एंड आई रेकमेंड लाइफ जैकेट डालना प्लीज, दो डालना, डूबोगे तब करंट खत्म हो जाएगा। एंड हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपको बताएंगे नहीं आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ही एडवेंचरस है और आपको वो भी एक्सपीरियंस करना है। हमने यहाँ पर देखा लोग बहुत मेकअप करके ड्रेसेस डाल के आते हैं, प्लीज वो मत डाल के आए, मेकअप धुल जाएगा, ड्रेसेस खराब हो जाएंगी। हमारे पास एग्जांपल और हम इनकंफर्टेबल क्लोथ और आप असली चेहरे बाहर आ जाएंगे। तो ओके दैट्स इट, प्लीज एक्सप्लिसिट कंटेंट हो रहा है। ओके